अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। जी आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़ाफ़रानी राइस, या फिर आप इसको येलो राइस कह लें। तो चलें इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी चलें रेसिपी शुरू करती हूँ। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। एक टेबलस्पून सॉल्ट है, एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये मेरे पास सैफ्रॉन का मिक्सचर है जो कि राइस में हम डालेंगे कलर के तौर पे। मैंने फ्यू सैफ्रॉन जो है वो उसकी शाखें ली हैं, स्टिक्स हैं, और हाफ टी स्पून हल्दी है, और 2 या 3 पिंचेस जो है येलो फूड कलर है, और फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो केवड़ा एसेंस के हैं, और थोड़ा सा पानी के साथ 2 से 3 टेबलस्पून के साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और तकरीबन ये 15 मिनट से भीगी हुई है सारी चीज़ें। इसके साथ ये मेरे पास है यहाँ पर डिल 1 टेबलस्पून है, और ये मिंट है, मिंट लीफ है, ये भी 1 टेबलस्पून है जी। और ये खड़ा गरम मसाला है, इसमें कुछ है यूँ के 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 2 स्टिक जो है वो सिनेमम के हैं, छोटे छोटे स्टिक्स हैं, और काली मिर्चें हैं 4 से 5, और लौंगे हैं 4 से 5, और स्टार एनी सीड है मेरे पास हाफ। अच्छा, इसके बाद जाएगा 2 चिकन क्यूब्स, ये आप कोई सी भी ब्रांड के ले सकते हैं, ये चिकन क्यूब्स हैं। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून घी, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आज घी यूज़ कर रही हूँ, तो 2 टेबलस्पून घी। घी के डालते ही मैं अपनी अनियन इसमें डाल दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जी। घी में प्याज डालने के बाद इसको बस हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक सा आ जाए, ब्राउन नहीं करना हमें। इस पॉइंट पे ये जो हमारे पास दिल है ये हम डाल देंगे। ये सारे जो खड़े गरम मसाला बताया था मैंने आपको वो डाल दें, इसको अच्छे से ज़रा मिक्स कर लें। जी प्याज, दिल और गरम मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया है, पर देखें प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, पिंक सा रहना चाहिए, ब्राउन नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे हमारे पास ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये ऐड कर दें। इसके बाद ये हमारे पास 2 चिकन क्यूब्स थे मेरे पास, इसको हाथ से ऐसे ऐसे मसल के आप ऐड कर दें। ये मेरे पास मिंट लीफ है, 1 टेबलस्पून ये ऐड कर दें, और इसको मिक्स करना है। हीट आपने बिल्कुल स्लो ही रखनी है, वरना सब बर्न हो जाएगा। बस जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने डाला है वो ज़रा सा भुन जाए, तो फिर हम अपने राइस ऐड करेंगे, उसके बाद कलर। मैंने ये बासमती राइस लिए हैं 4 कप, ये 4 कप बासमती राइस हैं, सोक किए हुए हैं 30 मिनट्स के लिए, मैंने इनको सोक कर दिया था। ये मेरे पास 4 कप सोक राइस हैं, आप ब्राउन राइस भी यूज़ कर सकते हैं जी। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भी अच्छे से भुन चुका है, तो अब मैं इसमें अपने राइस ऐड करूँगी। जी हम ये सारे राइस ऐड कर देंगे, ये हाई हीट कर देंगे ये राइस डालने के बाद। जी राइस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें।
जी मैंने 4 कप बासमती राइस लिया था सोक किया हुआ, ये हमने ऐड कर दिया अपने मसालों में। अब इसके अंदर हम 4 कप पानी ऐड करेंगे। जी 4 कप राइस में मैं 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ये पानी ऐड करने के बाद ये हम अपना टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सॉल्ट था वो डाल देंगे। और ये जो मिक्सर मैंने बना के रखा था फूड कलर का, सैफ्रॉन का और हल्दी का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करें और एक बॉईल आने तक इसको पकाएं। चलें जी, जब बॉईल आ जाए तो मैं आपसे मिलती हूँ। जी ये देखिए राइस हमारे बॉईल हो चुका, बॉईल होना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसकी हीट जो है वो बिल्कुल लो करके इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल स्लो। आपसे 15 मिनट्स बाद मिलती हूँ। ओके जी, आफ्टर 15 मिनट्स राइस को चेक कर लेते हैं, बिल्कुल डन है। चलें मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।